प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो कि आपके SSC, रेलवे, बैंक, UP पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको रिपीट भी करता है। तो दोस्तों ये पार्ट 30 है, इससे पहले पार्ट 29 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम आपको बता दूँ कि सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे, इसीलिए अगर आप नए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि जिस तरीके से, जब भी देखिए संबंधी का यहाँ पे चिन्ह रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से पहले से दूसरा बना है या दूसरे से पहला बना है, जिधर से लॉजिक लगेगी उधर से हम लगाएंगे, या ऐसे देखेंगे जिस तरीके से पौधे से वनस्पति शास्त्री है, या जिस तरीके से वनस्पति शास्त्री से पौधे है, या इन दोनों में, या कह सकते हैं जिस तरीके से पौधे का संबंध वनस्पति शास्त्री से है, वैसे ही सेम यहाँ पे डबल संबंध है, इसका मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से इक्वल मान लीजिए इसको, उसी तरीके से जंतु का संबंध यहाँ पे किससे होगा, यानी कि लेफ्ट साइड जिस हिसाब से चलेगा, जौन सी लॉजिक लगेगी हम ढूंढेंगे, उसी लॉजिक को हम राइट साइड में लगा देंगे। ये इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पुराने अब तो आप जानते ही होंगे, नए इसीलिए इतना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पौधे और वनस्पति शास्त्री, देखिए वनस्पति शास्त्री विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी वनस्पति से रिलेटेड जितनी भी चीज होती है उनका अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से कौन सा विज्ञान की कौन सी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का विश्लेषण या उनका अध्ययन करते हैं, तो आप देखिए कौन कौन सा दिया, रसायन अज्ञ दिया हुआ है, भूवैज्ञानिक दिया हुआ, पुरातत्ववेत्ता दिया हुआ, या प्राणी शास्त्री दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि यही प्राणी शास्त्री है। भूवैज्ञानिक तो आप जानते हैं भू से रिलेटेड है, पुरातत्वविद अब जो पुरानी चीजें आप खोजते हैं वो है, रसायनज्ञ मतलब रसायन विज्ञान से रिलेटेड आएगा, तो यही सिर्फ जो है प्राणी शास्त्री जो कि जंतु से रिलेटेड है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से 6 से 2 बना है, उसी तरीके से 8 से यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी संबंधे वाला है तो उसी हिसाब से ही देखेंगे, इसमें क्या रहता है संबंधे वाले में यही चेक करना रहता है। लेफ्ट साइड जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे डबल संबंध है यानी डबल बिंदी है, इक्वल समझ लिए, लेफ्ट साइड जिस हिसाब से समीकरण बैलेंस होगा उसी हिसाब से ही राइट साइड बैलेंस होगा, यानी जौन सी लॉजिक इधर लगेगी लेफ्ट साइड वही लॉजिक हम इधर लगाएंगे। तो हमें लेफ्ट साइड देखना रहता है कि 6 से 2 कैसे बना या 2 से 6 कैसे बना, जरूरी नहीं कि 6 से 2 ही बना होगा, 2 से भी 6 बन सकता है, उल्टी भी ये लॉजिक ढूंढ सकते हैं अगर सीधी ना मिले तो। जैसे 6 से 2 ढूंढेंगे बनाना तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम 2 से 6 बनाना सीखें देखें तो कुछ आसानी से बन सकता है। जैसे 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो भी 6 बन सकता है। तो अगर ये लॉजिक लगाएंगे, यानी ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रखें जिसमें 2 का गुणा करने पर 8 आए, तो सिर्फ 4 ही ऐसी संख्या जिसमें 2 का गुणा करने पर 8 आएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो दोस्तों फिर कौन सी लगेगी, देखिए इस 2 को ही उठाएंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करके और 2 को जोड़ देंगे, तो आपका भी 2 दुना के 4 2 6 आ जाएगा, तब भी आ रहा है, तो ये लॉजिक अब लगाएंगे। यानी ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 2 का गुणा करें और 2 का 2 जोड़ें तो वो 8 आ जाए। तो अगर आप 3 को उठाते हैं तो 3 में 2 का अगर गुणा करते हैं और 2 जोड़ते हैं, 3 दुना के 6 2 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 20 इज द राइट आंसर। तो अलग अलग तरीके से चेक करते रहते हैं और प्रैक्टिस ऐसे किए रहेंगे तो एग्जाम में अलग अलग तरीके से चेक नहीं करना पड़ेगा, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मुंबई, यानी जिस सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZYG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में चेन्नई को क्या लिखा जाएगा। तो मुंबई को पहले देखा जाए कि कैसे ये लिखा गया है, मुंबई, ठीक है, मुंबई को देख लिया जाए कैसे आपने KSKZYG लिखा है। चलिए तो इसमें क्या है कि नंबरिंग याद हो जाए तो बेहतर है, 1 से लेकर 26 तक अगर याद है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं याद है, नए हैं तो आपको मैं बता दूं एक तरीका, 10-15 क्वेश्चन इस टाइप का कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए M की जो पोजीशन होती है 13 होती है, U की होती है वो आपकी 21 होती है, M की 13 होती है, B की 2 होती है, A की 1 होती है और I की 9 होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं K की 11 होती है, S की आपकी जो है 19 होती है, K की 11 होती है, Z की आपकी 26 होती है, Y की 25 होती है और G की 7 होती है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 13 से 11 बना यानी -2 हुआ, 21 से 19 बना यानी -2 हुआ, 13 से 11 बना -2 हुआ, 20 से 26, देखिए 2 से 26 बना है, तो ये क्या -2 हुआ होगा, बिल्कुल दोस्तों -2 होगा, क्योंकि जब यहाँ पर 2 में से -2 करेंगे तो आएगा क्या, 0 आएगा, तो ये 0 का मतलब होता है 26वां नंबर जो कि Z की पोजीशन होती है। हमेशा समझिए इसमें 1 से 100 तक अल्फाबेट में गिनती नहीं चलती है, इसमें गिनतियाँ चलती हैं 1 से लेकर के 26 तक। अभी एक आधा और क्वेश्चन इसी पे आएगा तो क्लियर हो जाएगा।
इसमें संख्याएं 1 से 26 तक चलती हैं, क्योंकि 1 से लेकर 26 तक ही A to Z होता है, उसके अलावा तो Z के बाद कुछ होता नहीं है। तो जब भी 0 आ जाए मान घटाने पर, तो उसका मतलब समझिए कि वो 26वीं पोजीशन है। तो जैसे 2 से 26 बना है, इसका मतलब इसमें भी माइनस 2 ही किया गया है। अब देखिए 1 से 25 बन गया है, इसमें भी माइनस 2 किया गया। क्यों? जब माइनस 2 करेंगे एक में से माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और माइनस जब 1 आ गया तो इसका मतलब ये 26 में से फिर माइनस 1 करेंगे तो ये 25 आएगा। क्या आएगा? 25। देखिए 25 आ गया y, और इसी तरीके से i 9 था, g आपका 7 था, इसमें से माइनस 2 किया, यानी कि सब में से माइनस 2 किया गया है। तो क्लियर हो गया। चलिए यहाँ फटाक देना, यहाँ पर थोड़ा सा साफ करके हम इसका भी आंसर ला लेते हैं। चेन्नई, चेन्नई में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे? देखिए सी है, सी आपका तीसरे नंबर पर है, माइनस 2 करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। क्लियर है? एच है आपका, एच सातवें नंबर पर है, माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा, पांचवें नंबर पर होता है ई। ऐसे ही आपका ई आ गया चेन्नई में, तो ई होता है पांचवें नंबर पर, माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी तीसरे नंबर पर होता है सी। ऐसे ही एन है चौदहवें नंबर पर, इसमें से माइनस 2 करेंगे 12 का मतलब एल आ जाएगा, फिर एन है तो उसके मतलब भी एल आ जाएगा। फिर आपका ए है, ए में से माइनस 2 करेंगे तो दोस्तों आप किधर आएंगे, देखिए 26 और 25 वाला जो मैटर था वही आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 करेंगे एक में से तो वाई पर आ जाएंगे, यानी 25 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आई आ गया, आई कौन सी पोजीशन पर है, नौवें पे, माइनस करेंगे 2 तो आपका 7 आ जाएगा, यानी जी आएगा। ए ई सी एल एल वाई जी, ए सी एल एल वाई जी, ऑप्शन बी डी। नेक्स्ट देखिए, ये मिसिंग नंबर वाला फिगर से रिलेटेड कह रहा है कि 28 8 और 6 है, जिस तरीके से जैसे 63 18 8, तो इसमें देखिए जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या से बनी होती है। तो ऐसे देखेंगे अपने, देखिए सोचने का नजरिया बदलना पड़ता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग नजरिया सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 6 है, यानी ये कहेंगे 6 और 8 की हेल्प से ये 28 बना है, 9 और 18 की हेल्प से यहाँ पे 63 बना है। अगर ये लॉजिक हम ढूंढ लेते हैं तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आ जाएगा, क्योंकि 13 और मिसिंग नंबर की हेल्प से ये 94 बना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम गुणा करते हैं और 8 6 का 48 हो जाएगा, नहीं आएगा 28 है। अगर जोड़ते हैं तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 दूना के 28 ऐसे आ रहा है। तो ऐसे ही अगर इसमें देखें तो 18 9 27 दूना 54 आ रहा है, 63, ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो फिर देखिए लगेगी क्या, इस 6 को हम उठा लाते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 36। इसमें से इस 8 को माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28। क्लियर? चलिए इसको फिर इसमें चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का तो आपका 81 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले नंबर का यानी 18 का इसमें माइनस कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा है आपका, 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 का मतलब 63 आ रहा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए 63 आ गया। यही लॉजिक लगाइए, यहाँ पर एक समान लीजिए, क्या एक समान लीजिए, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस एक्स करेंगे तो आपका यही 94 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका हमने 9 का स्क्वायर किया, उसमें से 18 को माइनस किया तो 63 मिला। वैसे हम 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हमें मालूम नहीं मिसिंग नंबर, उसको एक समान लिया तो उसको जब माइनस करेंगे तो ये हमें 94 मिलेगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा A169 - 94। तो चलिए घटा लीजिए, आपका 5 आ गया, लास्ट में 5 किसके, बी के है, 75 आएगा, 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए इनके क्रम अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, जो आपके 5 दिए हुए नंबर, 1 देश है, 2 फर्नीचर है, 3 वन है, 4 लकड़ी है, 5 वृक्ष है, इनके क्रम इधर उधर दिए हुए हैं। तो इनका जो प्रोसेस होता है, एक क्रम होता है, एक सीरियल क्रम होता है, उस हिसाब से इसको हमें सजाना है। तो देश पहले दिया हुआ है, फिर फर्नीचर दे दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, फिर लकड़ी दे दिया हुआ, फिर वृक्ष दिया हुआ है, तो किस हिसाब से ये चलेगा, ये क्या चीज़ कहने का, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले देखिए देश आता है, क्या होता है, पहला देश आता है। अब देशों में क्या होते हैं, जंगल होते हैं दोस्त, यानी तीसरे नंबर, अभी समझ में आ जाएगा आपको, जंगल होते हैं। अब जंगलों में क्या होते हैं, आप कहेंगे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, यानी पांचवें नंबर वाला। और इन वृक्षों से हम क्या निकालते हैं, लकड़ियां निकालते हैं, यानी 4 नंबर वाली, और इन्हीं लकड़ियों से हम दूसरे नंबर वाला यानी फर्नीचर बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से ही हम चलते हैं, यानी पहले देश, देश में जंगल, जंगल में जो है पेड़, पेड़ में लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर। तो 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट मिस किया हुआ है, कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर नहीं कि SSC के एग्जाम में पूछता है तो किसी और कैटेगरी के एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए SSC में पूछा है तो BSSC में भी पूछ दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि TU है, TU है तो कैसे बनाए TU। एक काम करते हैं, पहले इसको समझिए, देखिए TU है,
टी के बाद यू आता है बन गया, डी के बाद ई आता है बन गया, एन के बाद ओ आता है बन गया, यानी एक सीरियल क्रम में जा रहा है, जैसे अल्फाबेट का ए टू जेड सीरियल क्रम चलता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो ऐसा ही ये चला। अगर ऐसे लॉजिक ढूंढेंगे तो आपको देखिए पी के बाद क्यू आता है, ये भी आपको दिख रहा है, एफ जी आता है, एक्स वाई आता है, वी डब्ल्यू आता है, सभी के सभी सीरियल क्रम में मिल रहे, तो ऐसे लॉजिक नहीं ढूंढेंगे कि चारों सीरियल क्रम वाले मिल रहे हैं तो कौन सा इसमें निकालेंगे, कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो इसकी अलग ट्रिक होती है, क्या होती है, अब उठाइए रहेगी, टी डी और एन को हम उठाते हैं, पहले टी से डी बना, डी से एन बना और फिर मिसिंग नंबर आएगा, पहले एक वाला, फिर यू ई एन यू ई ओ को उठाते हैं, इसको यू ई ओ को और उसके बाद मिसिंग नंबर वाला। अब देखिए टी है 20वें नंबर पर, डी है 4थे नंबर पर, एन है 14वें नंबर पर, अब इनमें किस सीरियल हिसाब से बना हुआ है, देखिए 20 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 हो जाएगा, तो डी तो 4थे नंबर पर आता है और ये आ रहा है 30, वही फिर प्रॉब्लम आ गई। देखिए ए टू जेड जो होता है 1 से 26 तक होता है, इसमें सिर्फ 26 तक ही बढ़ना है, यानी 26 तक जाने के बाद जो एक्स्ट्रा आएगा 30 में, वो चार हमारा जो है ए से फिर शुरू हो जाएगा, किस कहाँ तक जाएगा, ये 26 तक ही जाएगा, जैसे 30 आया हमने 20 में 10 जोड़ा तो 30 आया है, लेकिन 30 नहीं आना चाहिए, ये तो 26 तक ही बढ़ेगा आगे, उसके बाद इस 30 में से जो चार एक्स्ट्रा रहेगा वो अब 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से बढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पे जो 4थे नंबर पर आएगा वो डी होता है, क्लियर है, इस हिसाब से बढ़ेगा। फिर इसमें हम 10 जोड़े तो 14 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, फिर अब इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, और 24वीं पोजीशन पे क्या होता है, एक्स होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। सेम वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, जैसे यू है आपका 21वीं पोजीशन पे, ई है आपका 5वीं पोजीशन पे और वो होता है 15। अब इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 आ जाएगा, तो 31 थोड़ा ना लिखना है, 26 लिखना है और बाकी जो शेष बचेगा उसी को हमें रख लेना है, तो बाकी शेष आपका कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो देखिए 5वीं पोजीशन पे आ गया ई। अब फिर इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो आपका 15, देखिए ओ आ गया 15, फिर अब इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25, और 25वीं पोजीशन पे वाई होता है, यानी हमारा क्या मिल गया, एक्स और वाई, ऑप्शन 3 इज द राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करते रहिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनिल, देखिए ये लंबे चौड़े भारी मतलब कम ज़्यादा वाला है, तो जब भी इसमें लंबाई चौड़ा की बात हो या वजन में ज़्यादा कम हो या बड़े छोटे की बात हो, तो इसमें हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे, वो छोटे बड़े की बात हो या वजन में भारी कम की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो इन्हीं दो चिन्हों का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए कह रहा अनिल आनंद से भारी है, कह रहा कि अनिल जो है, अनिल ठीक आनंद से भारी है, तो अनिल को क्या करेंगे, ग्रेटर देन आनंद लगाएंगे इस तरीके से, ठीक, भारी कहे तब भी अनिल आनंद से भारी है, इसका मतलब ग्रेटर का मतलब बड़ा हुआ, तो बड़ा का मतलब भारी समझिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लालू जितना भारी है वो उतना भारी नहीं है, लेकिन जो लालू जितना भारी है, कहने का क्या मतलब है कि लालू जितना भारी उतना भारी अनिल नहीं है, अनिल आनंद से तो भारी है लेकिन लालू जितना भारी है उतना भारी नहीं है, यानी कि जो लालू है वो अनिल से भारी है, इसके कहने का मतलब ये होगा। पहले तो क्वेश्चन को समझना भी पड़ता है, कहीं कहीं आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, आनंद विजय से भारी है, अब ये जो आनंद है वो क्या कह रहा है कि विजय से भारी है, जो क्वेश्चन में कहे उसी हिसाब से हमें बनाते जाना है। आगे कह रहा है कि रमन अनिल से भारी है, रमन, अब यहाँ पर रमन आ गया और उसको कह रहा है कि अनिल से भारी है, तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर ही दिखाएंगे, क्यों यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये नहीं कह रहा है रमन कि लालू और रमन में कोई कौन भारी है कौन कम है, इसीलिए अलग से मुझको दिखाना पड़ा कि रमन जो है अनिल से भारी है, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन श्याम से हल्का है, ये रमन कह रहा है कि अनिल से भारी है लेकिन ये रमन जो है श्याम से क्या है, श्याम से हल्का है, तो श्याम क्या होगा, रमन से भारी हो जाएगा और रमन अनिल से भारी हो जाएगा। अब लालू और रमन श्याम का कोई मेल नहीं दिया हुआ है तो नहीं कुछ करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। बताया कि इनमें सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का कौन है, जो सबसे इधर होगा वही तो सबसे हल्का होगा, क्योंकि लालू जो है अनिल से भारी है, रमन भी अनिल से भारी है, श्याम जो है रमन से भी भारी है, अनिल आनंद से भारी है, आनंद विजय से भारी है, तो सबसे हल्का कौन होगा, यही होगा विजय, ऑप्शन देखिए कौन सा, 1 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, कह रहे 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं, पूरब की ओर, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, देखिए जब भी 5 लड़कियां खड़ी रहेंगी पूरब की ओर, तो पूरब इधर करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ेंगे, जानते हैं कि आप जो आपका डायग्राम होता है दिशा वाला वो ये ऐसा होता है, पूरब इधर होता है तो पूरब की तरफ खड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं, इस डायग्राम को ही हम रोटेट कर देते हैं, रोटेट अपनी आंखों के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं कि रोटेट हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, पूरब को ऊपर लेके जाएंगे, पूरब को ऊपर ले जाएंगे तो ये पश्चिम नीचे आ जाएगा और ये दक्षिण पूरब के पास चला जाएगा, ठीक,
और ये उत्तर इधर आ जाएगा, बस इतना ही कर देना। अब इस हिसाब से हमें सेट करना लड़कियों को, क्योंकि इसमें आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या कह रहा है कि पांच लड़कियां पूरब की ओर मुख करके कतार में खड़ी हैं। इस तरीके से पांच लड़कियां हैं, 1 2 3 4 पांच लड़कियां हैं, कह रहा पूरब की ओर। अब पूरब चूंकि इधर हो गया है इस डायग्राम के रोटेट करने की वजह से, पहले होता तो ऐसे करना पड़ता, ऐसे करने में थोड़ा सा दिक्कत होती आपको, दाएं बाएं नहीं समझ में आता, इसीलिए समझाने के लिए सिर्फ मैं किया हूँ। ऐसे अगर रहता तो ऊपर नीचे समझ में आता, दाएं बाएं नहीं समझ में आता, अगर पूरब की तरफ मुंह करके ऐसे लड़कियां खड़ी रहती तो मैंने क्या किया, डायग्राम को घुमा दिया, तब भी आंसर आपका सही ही आएगा, गलत नहीं आएगा। मत सोचिएगा कि ऐसे मैंने कर दिया तो आंसर गलत है, बिल्कुल सही आएगा, और एग्जाम में भी आप यही लॉजिक अपनाएंगे। ठीक है, तो इधर दायां हो जाएगा और इधर आपका बायां हो जाएगा। जब भी आपका मुंह आपके उल्टी साइड में खड़े रहेंगे तो जो उनका दायां रहेगा आपका दायां, जो उनका बायां रहेगा आपका बायां। अब पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सविता उषा तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता नाम की कोई लड़की है, कह रहा है कि उर्मिला उषा तुलसी और उर्मिला, उषा है ठीक, उषा है, तुलसी है और उर्मिला है, उर्मिला कह रहा है कि सविता जो है उषा तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है। अब ये तीनों के बाईं ओर कौन है, सविता है, तो सविता को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तभी तो इन तीनों के बाईं ओर आ जाएगी। लेकिन मैंने उषा तुलसी उर्मिला को वैसे ही रखा है, जरूरी नहीं कि उषा तुलसी उर्मिला ऐसे ही जैसे मैंने रख दिया वैसे ही होगा, हो सकता है यहाँ पे उर्मिला हो, यहाँ पे उषा हो, यहाँ पे तुलसी हो, सिर्फ सविता की पोजीशन फिक्स है, क्योंकि कह रहा है कि सविता जो है उषा तुलसी उर्मिला के बाईं ओर है, यानी इन तीनों के बाईं ओर है, इसका मतलब इधर है, बस ये चीज तो फिक्स है। बाकी उषा तुलसी उर्मिला की अभी पोजीशन हम फिक्स करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि उषा तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर हैं। कह रहा है कि उषा तुलसी उर्मिला यानी कि ये तीनों जो लड़कियां हैं वो कह रहा है कुमुद के बाईं ओर हैं, यानी कुमुद को अगर हम यहाँ रखें, कहाँ, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूं, कहाँ, यहाँ पर अगर कुमुद को रखें, कुमुद को इस पोजिशन पे, तब तो इसके बाईं ओर ये तीनों लड़कियां होंगी, क्योंकि इधर ही बायां होगा आपका, क्योंकि बायां आपने दिखा दिया है कि इधर बायां इधर दायां है, यानी कुमुद को इस पोजीशन पे रखेंगे और सविता, यानी इससे पता चल गया कि सविता इस मुंह पे होगी बाएं वाले मुंह पे और दाएं वाले मुंह पे कुमुद होगी। अब बाकी ये तीनों लड़कियों की पोजीशन चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उस हिसाब से अभी सेट हो जाएगा। आगे कह रहा है उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में है। अब एक चीज फिक्स हो गई, उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है, यानी कि उर्मिला की पोजीशन ये होगी बीच वाली, ये उर्मिला की पोजीशन होगी। अब तुलसी और उषा, अब तुलसी और उषा की पोजीशन हमें मालूम नहीं, उषा इधर भी हो सकती है, तुलसी इधर भी हो, तुलसी इधर हो सकती है उषा, अब इन दोनों में कौन किधर है अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, क्या कह रहा है कि यदि तुलसी बाईं ओर से, तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर, अब ये बायां है तो बाईं ओर से चौथा स्थान कहाँ होगा, यहाँ होगा चौथा स्थान, तो बिल्कुल सही मैंने रख दिया यहीं पर। तुलसी कह रहा है तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो बताइए कि उषा दाईं ओर से किस स्थान पर होगी, यानी कि इधर दायां है तो अब इधर से कह रहा है इधर से उषा चौथे स्थान पर होगी। तो देखिए पहला कुमुद थी, दूसरों को हमने तुलसी ला दिया और तीसरे पर उर्मिला आ गई, तो चौथे पर आपकी उषा आएगी, यानी कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर उषा आएगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है कि यदि 12 × 9 = 810 और 15 × 9 = 513 हो तो 13 × 8 = क्या होगा। देखिए 12 × 9 = 810 आखिर लिखा कैसे, हालांकि आता है 12 × 9 = 108 लेकिन यहाँ पे लिखा है 810। चलिए ऐसे ही अगर 15 × 9 = देखें तो होता है 135 लेकिन लिखा है 513। कुछ किया नहीं है दोस्तों, क्या किया है, बस इसके अंकों को इधर उधर थोड़ा हेर फेर किया है, यानी लास्ट वाला जो अंक था उसको सिर्फ पहले पोजिशन पे ला के रख दिया, यानी 8 को यहाँ पे रख दिया, बाकी 10 को ज्यों का त्यों रहने दिया है 8 को। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया, 5 को ला करके पहली पोजीशन पर रख दिया और 13 को ज्यों का त्यों रखा है। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे, 13 × 8 है तो 13 × 104 होता है, तो 4 को उठा करके हम ला करके यहाँ पर रख देंगे तो ये 410 बन जाएगा, बस हो गया आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर, स्नातक आप जानते हैं जो डिग्री धारक होते हैं, चिकित्सक आप जानते हैं जो आपका ये मेडिकल लाइन से होते हैं, प्रोफेसर भी आप समझते हैं प्रोफेसर के चिकित्सक लाइन से भी होते हैं, आपका एजुकेशन टीचिंग लाइन से भी होते हैं, प्रोफेसर कई तरीके के होते हैं। तो वही कह रहा है कि इनमें क्या संबंध हो, रिलेशन किस टाइप का बनेगा, किस हिसाब से डायग्राम एक दूसरे से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्नातक हो गया,
तो एक चीज मैं बता, देखिए चिकित्सक हो या प्रोफेसर, दोनों दोनों जो बनते हैं वो दोनों के दोनों स्नातक होते हैं। तो अगर स्नातक का डायग्राम ये बड़ा वाला बनाए तो एक चिकित्सक का होगा, एक प्रोफेसर का होगा। लेकिन कुछ चिकित्सक प्रोफेसर भी होते हैं और कुछ प्रोफेसर, सभी चिकित्सक प्रोफेसर नहीं होते, कुछ चिकित्सक जो बड़े चिकित्सक होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं और कुछ प्रोफेसर चिकित्सक भी होते हैं। तो इनको क्या करेंगे, इस तरीके से डायग्राम को एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा जोड़ देंगे ऐसे। तो देखिए इस टाइप का डायग्राम ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए फिगर से रिलेटेड भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक किसी तरीके का एक फिगर वाला क्वेश्चन जरूर रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति दिया हुआ है और उत्तर आकृति, यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। इसके कहने का मतलब यही है, उत्तर आकृति में चार ऑप्शन दिया है तो इसके रोटेशन को समझ लेते हैं, किस हिसाब से रोटेट कर रहा है। बस अगर रोटेशन को समझ लेंगे, एकदम मिलता जुलता फिगर दिख रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर जो लाइनिंग ये वाली दिख रही है खड़ी वाली, उसी पे ध्यान दीजिए आप, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो अभी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से रोटेट कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पर देखेंगे, ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए, ये क्या किया है, यहाँ इतना रोटेट करके इस पोजीशन पे आ गया है, इस पोजीशन पे आया और ये डायग्राम भी उसके साथ रोटेट कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि 45 डिग्री ये क्या हुआ है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया है। क्या, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो फिर ये लाइन ऐसे हो गई है, यानी ऐसे थी तो अब ऐसे हो गई है। अगर आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फिगर बीचों बीच में बना करके अगर हम डायग्राम देखें तो अब ये घूम करके ये सीधे पर आ गई, यानी कि फिर 45 डिग्री क्या हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन हम ग्राफ कर देते, एक्स वाई जेड वाला जो अक्ष होता है, एक्स वाई वाला, उस हिसाब से अब क्या हुआ है, ये लाइन यहाँ पे आ गई, देखिए ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये भी क्या हुई है, एंटी क्लॉकवाइज फिर 45 डिग्री रोटेट कर गई। नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट कर गई। अब फिर यही जो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर जो है 45 डिग्री रोटेट करेगी तो यहाँ पर बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगी 45 डिग्री, यानी बिल्कुल खड़ी वाली जो लाइनिंग है उसको ढूंढिए कहाँ है। देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसी टाइप का है ये भी, इसमें भी हमें रोटेशन को समझना है। क्या कह रहा है कि जिस तरीके से ये फिगर इससे बन रहा है उसी तरीके से इस फिगर से यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा। तो यहाँ पे अंदर की जो लाइन है उसको पहले ध्यान से देखिए, ये दोनों, इन दोनों लाइन को देखेंगे, ये चेंज होकर के एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई है। वो कैसे चेंज हुई, अंदर के फिगर भी चेंज हो रहे हैं, ये सारे जो है फिगर ये भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन पहले लाइन को चेंज करते हुए देखते हैं, उसी से ही फिगर भी चेंज हुए होंगे। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को, पहली वाली लाइन को हमें बामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं क्या करूँ, दो खाना आगे खिसका दूँ, यानी कि इस कौन कार्नर पर आ जाए, इस कार्नर से इस कार्नर पर ये लाइन आ जाएगी, तो ये लाइन ऐसे बनेगी जो कि यहाँ पे सीधी बनी हुई है, क्लियर हो गया। और इसी तरीके से ये इस कार्नर से इस वाली लाइन को मैं उठा करके इसको भी दूसरे कार्नर पर लाऊं, इस वाले कार्नर पर, तो ये इस लाइन के सापेक्ष आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगी। अब जो ये लाइनें आप साथ साथ आई हैं तो उसके साथ साथ ये अपने चिन्हों को समेट करके लेके आएंगे, जैसे ये लाइन इधर घूमी है ये लाइन, तो ये चिन्ह को समेट करके यहाँ पर यहाँ तक घसीट करके ला चुकी है, ठीक है। अब ये लाइन जैसे ऐसे घूमेगी तो इस बिंदु वाले को भी घसीट करके यहाँ पे लेके आएगी और ये त्रिभुज को भी ऐसे ही घसीट कर, यानी कि अपने दिमाग में सोचिए जब ये लाइनें घूम रही हैं तो साथ साथ अपने चिन्हों को भी लेकर के ऐसे ही घूम रही हैं। सेम काम यहीं पे करना है, देखिए ये जो आपकी लाइन है, ठीक, उसको पहले दो कार्नर आगे बढ़ाएंगे, यानी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक। और इसको भी क्या करेंगे, दो कार्नर आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन आएगी तो इसके सीधे में चली जाएगी। तो इस टाइप का पहले देखिए कौन कौन सा फिगर, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पर चिन्हों का आदान प्रदान कैसे होगा उसको देखना है। देखिए चिन्ह कैसे बदलेंगे, जब ये लाइन दो कार्नर आगे आएगी यहाँ पे तो ये अपने चिन्हों को भी लेकर के आएगी यहाँ पे बराबर वाले को, ठीक है। और ये जब जाएगी ये भी आगे ले जा करके इस गुड़े वाले को यहाँ पर फेंक देगी, और ये वाली लाइन उठा करके इस एरो वाले को यहाँ पर ले जाके फेंक देगी, और ये वाली लाइन जब इधर घूमेगी तो इस वाले प्लस वाले वाले को ऐसे स्क्वायर टाइप है उसको ला करके यहाँ पर फेंक देगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्लियर है, यहाँ पर यही आपका बनेगा, कोई दिक्कत। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगे, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टीके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।